हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम इन्वेस्टर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बेसिलिक फ्लाई कंपनी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी दोस्तों, इसका पूरा नाम है बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो लिमिटेड करके। यस, आपको नहीं मिल रहा होगा तो सिर्फ BASI इतना भी सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंड हो जाएगा। तो ये कंपनी करती क्या है, इसके फंडामेंटल्स कैसे, इसका टेक्निकल कैसा है, इसका टारगेट कैसे हो सकता है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सभी चीज़ें आज की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले दोस्तों। और वीडियो के एंड में अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप नीचे जाके मुझे पूछ सकते हो। और चैनल पे नए हो तो सबसे पहले नीचे जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक एक छोटे सब्सक्राइब से मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है दोस्तों। ओके, तो इतना जरूर कर देना। तो चले बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले जान लेंगे दोस्तों कि कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों, कंपनी के नाम के ऊपर से आपको पता चल ही गया कि कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों, ये कंपनी विजुअल इफेक्ट्स हो गए, एनिमेशन हो गए, उसके साथ ही बहुत सारे मूवीज के एनिमेशन और उनके लिए VFX यहाँ पे कंपनी क्रिएट करती है। तो काफी तगड़ा काम है। कैसे तगड़ा है वो अभी हम नीचे देखेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे। तो थोड़ा सा इस कंपनी के रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी ने अभी तक 10,000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। इनके पास 300 से ज्यादा क्लाइंट्स है। 10,000 प्रोजेक्ट करना कोई आसान बात नहीं है दोस्तों। कोई भी छोटी मोटी कंपनी आके 10,000 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दे इतनी आसान चीज नहीं है। 10,000 प्रोजेक्ट्स होने को भी काफी समय, काफी मैनवर्क, काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है। और उसके साथ भी यहाँ पे काफी ज्यादा उनके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए, तो तब जाके 10,000 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। 300 से भी ज्यादा क्लाइंट्स हैं, 900 से ज्यादा मूवीज के लिए काम किया है। यस, ये एक प्लस पॉइंट है। व्हाट फॉर सीरीज 2000 प्लस 2000 से सीरीज के 2000 से भी ज्यादा सीरीज के लिए यहाँ पे इन्होंने काम किया है। 8,000 से ज्यादा कमर्शियल्स यहाँ पे, कमर्शियल्स मतलब कि जैसे कि कोई शॉप के लिए हो गया, कोई मतलब कोई बिलबोर्ड हो गया, प्रमोशन के लिए हो गया, तो ये यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट किया है। 500 से ज्यादा टीम मेंबर्स है कंपनी के पास। यस, मैनवर्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और यहाँ पे इनके पास देखो कि तो 500 से ज्यादा टीम मेंबर्स हैं। अब बात करते हैं लास्ट ईयर्स की। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 23 तक रेवेन्यू आप देख सकते हो 114%, 100% से ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पे इन्होंने जनरेट किया है। EBITDA की बात करें तो 480% का यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, काफी अच्छा है। PAT की बात करें तो 806% देखने मिलता है। अब बात करते हैं फिस्कल ईयर 2023 की। तो इस ईयर के अंदर आप देख सकते हो ROE जो काफ़ी शानदार है और ROC भी काफ़ी शानदार देखने मिलता है। 88% का ROE और ROC 106% का देखने मिल जाता है। अभी बात करते हैं फिस्कल ईयर 2023 की। तो रेवेन्यू यहाँ पे 79 करोड़ का जनरेट किया, काफ़ी अच्छी बात है। EBITDA की बात करें तो 39 CR का जनरेट किया और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 28 करोड़। यस, ये होगी कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स। अब हम बढ़ेंगे कि यार कंपनी किसको किसको यहाँ पे मतलब प्रोवाइड किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की वीडियो में का होने वाला है। जैसे कि मैंने ये बेसिक डिटेल्स बताए तो वो भी देखना जरूरी है दोस्तों, देखते हैं अभी। तो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे काम किया अवतार 2 मूवी के लिए, काफ़ी अच्छी बात है इतनी बड़ी मूवी के लिए काम किया है। उसके साथ ही द लीजेंड ऑफ हर्कुलस इसके लिए भी काम किया है, बहुत अच्छी बात है। शांगची करके आपने देखा ही होगा, काफी एड्स देखे होंगे, मार्वल स्टूडियो है तो इनके लिए भी यहाँ पे उन्होंने VFX एनिमेशंस के लिए यहाँ पे काम किया है। ये सर का आपको पता होगा मेरे फेवरेट एक्टर, इनके लिए भी यहाँ पे मतलब इनका जो अभी लास्ट मूवी आया था उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने काम किया है। तो इतना आप देख सकते, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काम करना कोई भी आसान बात नहीं रहती है, तो ये भी आज के स्टॉक का प्लस पॉइंट बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, इतनी सब चीजें देखने के बाद अभी हम बढ़ेंगे यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ। तो मार्केट कैप के अगर बात करें तो मार्केट कैपिटल है 752 करोड़ का, अच्छा मार्केट कैपिटल है, काफी ज्यादा नहीं है तो स्मॉल कैप स्टॉक के अंदर ये आ जाता है दोस्तों। ओके, तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तो स्मॉल कैप स्टॉक है तो कौन सी चीज हम एक्सपेक्ट नहीं करते दोस्तों, आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, हम डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और डिविडेंड मिल जाए तो काफी अच्छी चीज रहती है, बट यहाँ पे डिविडेंड देखने नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को उनका प्रॉफिट अभी तक इनफ नहीं लग रहा है। जब वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाने लगते हैं और उनको लगता है कि अभी हमें हमारा प्रॉफिट शेयर करना है हमारे शेयर होल्डर्स के साथ, तब जाके आपको यहाँ पे डिविडेंड देखने मिल जाता है दोस्तों। तो इसके अंदर डिविडेंड नहीं है, मतलब अभी भी कंपनी चाहती कि और रेवेन्यू जनरेट करे तो काफी अच्छी बात है। डिविडेंड रहे तो भी अच्छी बात है और नहीं है तो भी अच्छी बात है दोस्तों, बिकॉज स्मॉल कैप में ये एक्सपेक्ट करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आपका क्या व्यू है मुझे नीचे जाके जरूर बताना। अब बात करते हैं स्टॉक पी की और इंडस्ट्री पी की। यस दोस्तों, स्टॉक पी है 27.1 और इंडस्ट्री पी है 41.6, काफी यहाँ पे अच्छा खासा हमें डिफरेंस देखने मिलता है, जिसकी वजह से हम इस स्टॉक को बोलेंगे अंडर वैल्यूड स्टॉक। यस, ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है दोस्तों। उसके बाद बात करते इसकी बुक वैल्यू की, इस पॉइंट को हम यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे, इस पर हम अभी ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ROC और ROE की बात करते हैं। तो ROC की बात करें तो वो है 172% और ROE की अगर हम बात करें तो वो है 156%।
काफी अच्छा आरओसी और आरओई हमें यहाँ पे देखने मिलता है। ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है दोस्तों यहाँ पे स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं इसके हाई की और लो की। तो दोस्तों इसका लो है 252 और हाई 508 रुपीज़। यस, 252 से सीधा 508, मतलब 100% तक का मोमेंट इसने दिया था। और अभी वहाँ से करेक्शन लेके दोस्तों अभी 324 पे है, मतलब इसका जो लो था उसके आसपास अभी ये स्टॉक मंडरा रहा है। ओके, तो इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि हमें अभी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखने मिल रही है। ओके, इंटरेस्ट कवरेज देख सकते हो 49.1 है यहाँ पे। DII और FII की होल्डिंग रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टॉक में कुछ ना रहो, बट FII और DII की होल्डिंग भी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, नहीं तो होल्डिंग रही तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रस्ट के चांसेस बढ़ जाते और प्रॉफिट देखने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एफआई की होल्डिंग है 0.42, ठीक है, होल्डिंग इतनी कुछ खास नहीं है बट है वही बहुत है। और डीआई की होल्डिंग है दोस्तों 0.01%, तो ये भी इतनी कुछ खास नहीं है बट है, यही हम प्लस पॉइंट पकड़ के चलने वाले हैं दोनों के अंदर। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पे इसके रिजर्व्स की और डेब्ट की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। हम अपनी हर वीडियो में आप देखते होंगे इंडस्ट्री पे हम फोकस करते हैं, डिविडेंड को फोकस करते हैं, उसी तरह हम FII होल्डिंग और DII की होल्डिंग का भी फोकस करते हैं। तो डेब्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ज़्यादातर वीडियोज़ ऐसे स्टॉक्स पर बनाता हूँ जिनके ऊपर कर्जा काफ़ी कम है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपको यहाँ पर लॉस देखने मिले। यहाँ पर मैं वीडियोज़ इसलिए बनाता हूँ कि आपको मतलब स्टॉक्स की जानकारी मिले। मैं कभी ऐसे फोर्स नहीं करूँगा कि यार ले ही लो ले ही लो, आप जानकारी तो रखिए, सिर्फ टेक्निकल लेके नहीं चलते है, फंडामेंटल्स भी पता रहना बहुत जरूरी रहता है। तो कंपनी के ऊपर डेब्ट है दोस्तों 3.31 करोड़ का। आप सोच रहे होंगे कि यार कितना, मतलब 3 साढ़े 3 करोड़ का करोड़ है और रिजर्व से 85.3, तो देख सकते हो आराम से कंपनी चाहे तो चुटकियों में उनका डेब्ट पे कर सकते हैं, फिर भी कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेब्ट भी, ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है आज की स्टॉक में का। प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो 59.9% का प्रोमोटर होल्डिंग्स हमें यहाँ पे देखने मिल जाता है दोस्तों। ओके, तो ये हो गई स्टॉक की कुछ बेसिक डिटेल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हो 200 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज को यहाँ पे स्टॉक ने क्रॉस कर दिया है। बहुत ही निगेटिव चीज़ है बट यहाँ पे हम पॉजिटिव चीज़ क्या ले सकते हैं, अभी मार्केट गिरा ये आपको पता ही है और मार्केट गिरने पर क्या करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ अभी हम यहाँ पे ढूंढेंगे, तो वो अभी हम कैंडलस्टिक चार्ट में देखेंगे वीडियो के आगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इस स्टॉक के प्रोज की और कॉन्स की। ये एक सिस्टम जनरेटेड रिजल्ट है दोस्तों, इतना ज्यादा यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करते बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें यहाँ पे इजीली देखने मिल जाते हैं। तो जैसे कि कंपनी ने उनका डेब्ट रिड्यूस किया, ये एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे देखने मिलता है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, जैसे कि बताया 85 CR के पास आसपास रिजर्व से 3 CR का यहाँ पे डेब्ट है, तो कंपनी आसानी से छुटकियों में पे कर सकती है। अभी कॉन्स की बात करें तो थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड पेड यार, इट्स स्मॉल कैप स्टॉक यार, स्मॉल कैप स्टॉक में कभी भी डिविडेंड एक्सपेक्ट मत कीजिए और मिल जाता है तो ऐसे स्टॉक पे फोकस कर लीजिए दोस्त। तो इसके अंदर तो नहीं मिल रहा है बट स्टिल फोकस इसलिए अभी हम करेंगे बिकॉज कंपनी अच्छी काम कर रही है। सेकंड थिंग यहाँ पे कि कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है, तो फंडामेंटल्स को लेके हम यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे अभी एंट्री कब कर सकते हैं, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, यह सब डिस्कस करने वाले हैं। तो डेप्टर डेज हैज इंक्रीज फ्रॉम 54.1 to 70.4, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एक निगेटिव पॉइंट भी आपको कंसिडर करके चलना होगा, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें नहीं लेंगे। वर्किंग कैपिटल डेज हैज इंक्रीज फ्रॉम 13.7 days to 72.3 days, तो ये भी एक यहाँ पे एक निगेटिव पॉइंट बोल सकते हो। बट ये इंडस्ट्री ऐसी है, फील्ड ऐसा है, सेक्टर ऐसा है जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे रेवेन्यू देखने नहीं मिलता है, टाइम लगता है दोस्तों, आपको पता ही होगा। ये इस चीज़ के अंदर कोई काम करता है तो जो अभी मेरी वीडियो देख रहा होगा उनको ये चीज़ पता चली जाएंगी। ज़्यादा जानकारी अगर आपके पास हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले स्टॉक को सेम सेक्टर की बाकी कंपनीज के साथ। यस, ये एक एंटरटेनमेंट सेक्टर में आ जाता है दोस्तों, तो सेम सेक्टर में कौन सी कंपनीज है, सन टीवी आ जाता है, जी एंटरटेनमेंट, PVR वगैरह वगैरह यहाँ पे आ जाता है। तो बात करें बेसिलिक फ्लाई की, तो कंपेयर अगर करें तो यहाँ पे पी हमें लो देखने मिलता है। यहाँ पे डिश टीवी को आप देख रहे होंगे यार इसका भी कम है, इसका भी कम है, तो दोस्तों इनका फंडामेंटल्स अलग है। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं ऐसे इसी पी को कंपेयर करके यहाँ पे वीडियो नहीं बन रही है, बाकी चीज़ें भी कर रही है कंपनी, क्या काम कर रही है, उनका क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसा है, ये सब चीज़ें देख के हम करने वाले हैं। ओके, तो पी यहाँ पे लो है, अच्छी बात है, अच्छा पी यहाँ पे हमें देखने मिल जाता है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट आर ओ सी ई आप देख सकते हो 171.51%,
काफी तगड़ा यहाँ पे आरओसी देखने मिल जाता है, ये एक प्लस पॉइंट लेके चल सकते हो। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा निगलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, बिकॉज अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे भी अच्छा मतलब पी देखने मिलता है, यहाँ पे भी देखने मिलता है, और यहाँ पे भी अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं है, मीडियम भी नहीं है, अच्छा पी है दोस्तों। ओके, तो ये हो गए कुछ इसकी बेसिक कंपेरिजन वाली डिटेल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट, कंपनी के लॉस, सेल्स के बारे में। यस, पहले सेल्स देख लेंगे, कंपनी ने कैसे सेल्स की है। तो कंपनी ने यहाँ पे मार्च 2022 में 25 CR का सेल किया है दोस्तों। यस, 25 करोड़ का यहाँ पे सेल किया है, और यहाँ पे एक ही साल में मार्च 2023 को कितना सेल किया है दोस्तों, यहाँ पे 79 CR का। काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा कि यार मतलब यहाँ पे सीधा 25 से 79 तक आप देख सकते हो, मतलब इनटू 3 टाइम्स से भी ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है। ओके, ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। बाकी पॉइंट्स को हम यहाँ पे थोड़ा सा निगलेक्ट करेंगे और जाएंगे सीधा नेट प्रॉफिट की तरफ। तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो यहाँ पे था मार्च 2022 में 1 CR का, और यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे मार्च 2023 में, अभी तो वैसे फेब्रुआरी चल रहा है मार्च 2024 का, बट आप मार्च 2023 तक ही अभी हम यहाँ पे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तो उसमें अगर देखोगे तो 1 से सीधा कहाँ पे गया, 28 पे गया है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही भाई, भगवान करे ऐसे ही स्टॉक चलते रहे और हम यहाँ पे ऐसे ही पैसे देते रहे। ओके, बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थोड़ा सा बैलेंस शीट में अगर हम नजर डालेंगे दोस्तों, तो रिजर्व्स की तरफ देखते हैं, रिजर्व्स हमें यहाँ पे देखने मिल जाते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में 3 CR का यहाँ पे रिजर्व देखने मिलता है, सीधा कंपनी ने इंक्रीज करके गया है 15, बहुत अच्छी बात है, 5 टाइम्स इंक्रीज है। और यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे 5 टाइम्स से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, मतलब 5 टाइम्स इंक्रीज करते जा रहा है। आई होप नेक्स्ट इसमें भी 5 टाइम्स इंक्रीज करे और हमें यहाँ पे अच्छा खासा रिजल्ट भी देते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बना पाए दोस्तों। ओके, बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अभी हम बात करने वाले दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग्स रहना, FII और DIS की होल्डिंग रहना, और पब्लिक तो रहता ही है, तो इन तीनों की यहाँ पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। FIS और DIS रहता है तो यहाँ पे मतलब इन्वेस्टर्स अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखा रहे, ये पता चलता है। यहाँ पे अगर बात करें FIS की तो 1.32% 2023 और December 2023, मतलब कुछ 2-3 महीने के पीरियड में पे कम किया है उन्होंने, तो यार ये एक निगेटिव चीज है, बट है यही काफी है। मैं बोलूंगा स्मॉल कैप स्टॉक में इतना मत एक्सपेक्ट किया करो, सिर्फ रहना चाहिए कल जाके जब कंपनी यहां पे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने लग जाती है, अच्छे प्रोजेक्ट्स लेने लग जाती है, तो ऑटोमेटिकली FIS और DIS इंक्रीज होती है, और FIS DIS इंक्रीज हो गए तो भाई यहां पे स्टॉक धूम मचा देता है। ओके, पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक यहां पे इंटरेस्टेड हो रही है, FIS नहीं हो रही, बट हां पब्लिक बोल रही है कि नहीं यार ये स्टॉक आगे जाके कुछ अच्छा करेगा, तो पब्लिक को ऐसा यहां पे ट्रस्ट है दोस्तों। ओके, तो ये चीजें हम यहाँ पे देखने मिल जाते हैं, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अब हम बढ़ेंगे चार्ट की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो पीरियड है सितंबर मंथ में यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आता है, यहाँ पे इसने स्टार्टिंग की थी 250 रुपीज के आसपास और यहाँ तक हाई बनाया था दोस्तों इसने 480 रुपीज तक का, मतलब अच्छा 100% 80-90% बोल सकते हो आप, इतना अच्छा रिटर्न यहाँ पे इसने दिया था दोस्तों। इस पीरियड में यहाँ पे स्टेबल था, मतलब कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा भी लोगों का ट्रस्ट नहीं हो रहा था, काम अच्छा कर रही बट कंपनी रेवेन्यू दे पाएगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में था। और यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे एंट्री की हो जिसकी वजह से इतना अच्छा मोमेंट बताया। और अभी करंट की बात करें, मतलब अभी करंट पीरियड की, तो आपको पता ही होगा बहुत तगड़ा मार्केट अभी गिरा है दोस्तों, सबके पोर्टफोलियो यहाँ पे मतलब एकदम मिट्टी में चले गए। ओके, बट ऐसे टाइम पे अपॉर्चुनिटी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। स्टॉक अभी अच्छा खासा नीचे आ चुका है, ये जो इसका एंट्री जोन था सेम एंट्री जोन में अभी ये स्टॉक एंटर हो चुका है दोस्तों। तो ये एंट्री जोन है दोस्तों, एंट्री जोन मतलब कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे लेना ही चाहिए, एंट्री जोन जिसको बोलते हैं जहाँ पे कोई स्टॉक यहाँ से अच्छी खासी मोमेंट दी हो और बार बार सेम पॉइंट पे आके मोमेंट देते रहे, इसको सपोर्ट भी बोलते हैं दोस्तों। ओके, तो ये एक डिमांड जोन बन जाता है, और ऐसा अगर होता है कि यहाँ से अगर एक ग्रीन कैंडल देना स्टार्ट करे, वॉल्यूम बनना स्टार्ट करे, तो यहाँ पे फिर से हमें 400 रुपीज तक की, 450 रुपीज तक की और 500 रुपीज तक की रेंज देखने मिल जाती है। तो एप्रोक्स मुझे लगता है कि इजिली इस रेंज में जाना चाहिए दोस्तों, जिस तरीके से इसके रिजल्ट है और इसके फंडामेंटल से यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 450 से लेकर 460 रुपीज तक की रेंज में इसने मूव होना चाहिए अगर यहाँ से रिवर्सल देता है तो, और अगर नीचे चले जाता है, अगर इस स्टॉप लॉस को हिट कर देता है जो कि 250 रुपीज का है, मुझे नहीं लगता 100 रुपीज की मूवमेंट इतनी इजिली दे देगा, इतना गिरने के बाद लोग ऑब्वियसली इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं, बट नीचे अगर जाता है तो नया स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जो कि अभी हम यहाँ पे प्रेडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका एंट्री जोन। सेकंड बात करें तो कि अगर कोई एंट्री करता है तो कहाँ पे एग्जिट करेगा, तो ये हो गया उसका एग्जिट वाला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे जोन मार्क किया है दोस्तों। ओके, और
ये टॉप मोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे आने के बाद मुझे नहीं लगता कोई एग्जिट करेगा, बिकॉज अगर इसको क्रॉस कर देता है तो यहाँ से बहुत भागना स्टार्ट कर देगा, यहाँ से ब्रेकआउट अगर दे देता है तो। बट ये काफ़ी मुश्किल है, ये जोन में आ जाएगा इतना मुझे लग जाता है लगता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से नीचे जाओ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपके एक एक छोटे छोटे सब्सक्राइब से मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है दोस्तों। बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ यार इतना ज़रूर कर देना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग स्टॉक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।